नमस्कार द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान का एक बड़ा भूभाग रेगिस्तानी है, ऐसे में आमजन को कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहीं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भूभाग के 33% हिस्से पर वन होने जरूरी है। ऐसे में गहलोत सरकार अपनी ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए गहलोत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हैं। 20,952 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा चुका वृक्षारोपण। पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आमजन को बांटे गए 1.22 करोड़ पौधे। 550वीं गुरु नानक जयंती के उपलक्ष में राज्य के सिख बाहुल्य जिलों में वृक्ष वाटिका की गई स्थापित। राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के सम में गोडावन का कृत्रिम प्रजनन किया शुरू। अब तक गोडावन के 16 चूजे ले चुके जन। राज्य सरकार के प्रयासों से भारत सरकार की ओर से राज्य कैंपा फंड में दी गई 1,748 करोड़ रुपए की राशि। 2020-21 में कैंपा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य के चयनित 22 जिलों में दिया गया रोजगार। जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 21 सितंबर 2020 तक 4.41 लाख मानव दिवस रोजगार किए गए सृजित। योजना के अंतर्गत राज्य में 1.21 हेक्टेयर में किया गया वृक्षारोपण। NAFCC के तहत नाबार्ड से प्राप्त ग्रांट से बाड़मेर जिले के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किए 76.91 करोड़ रुपए। 1,195 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, जल और मृदा संरक्षण कार्यों को दी गई मंजूरी। सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बॉर्डर होमगार्ड लगाकर की गई विशेष बाल संरक्षण बल की स्थापना। प्रदेश में वन संपदा के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार के साथ ही आमजन की भी है, इसलिए गहलोत सरकार आमजन का सहयोग लेते हुए पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक कर रही है और वन्य जीवों के लिए भी प्रतिबद्ध है।